الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और दीगर हाजिरी ने जुमा, अल्लाह तबारक व तआला की दात, हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, हर तरह की हमदो सना और हम और आप की हर छोटी बड़ी इबादतों की अकेली और तन्हा मुस्तहिक दात है, जिसकी बंदगी करना, करते रहना, करते हुए ही इस दुनिया से जाना हमारी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है और जिसकी बंदगी में ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल कर लेना हमारा सबसे बड़ा कमाल है, सबसे बड़ी कामयाबी है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाते गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको खैर की बातें सिखलाने वाला, खैर के रास्ते बतलाने वाला, खैर को अपनाने की तरगीब देने वाला और ख़ुद खैर पे चलकर एक बेहतरीन नमूना बनकर दिखलाने वाला बनाकर दुनिया में भेजा, जिन्होंने हम और आपको हर ज़रूरी अच्छी बात सिखलाई बतलाई और हर बात जिसमें हमारा और आपकी दीन का, आखिरत का नुकसान हो सकता था उससे आगाह फरमाया है। हाजरीन जुमा, इस्लामी शरीयत हम और आपको अमल की दावत देती है। हमारी ज़िंदगी में हमारा अमल अल्लाह की नज़र में हमारे वज़न को मुतय्यन करता है, हमारी हैसियत को मुतय्यन करता है। हम अमल में हमेशा मुकाबला करें, मुसाबका करें, इस बात की तरगीब इस्लाम हम और आपको देता है। इसी सिलसिले में इस्लामी शरीयत की एक बड़ी अहम तालीम है, जो देखने में बज़ाहिर छोटी नज़र आती है लेकिन नतीजे के एतबार से, अंजाम के एतबार से बहुत ही गैर मामूली तालीम। और वो तालीम ये है कि नेकियों में छोटी सी भी छोटी नेकी हो हम उसको छोटी ना समझें। आपको पता है नेकियों की दर्जा बंदी है, कोई बहुत बड़ी नेकी है तो उसके मुकाबले में कोई नेकी ज़रा छोटी है, तो बड़ी नेकी के मुकाबले में दूसरी नेकी छोटी हो सकती है, उससे कमतर हो सकती है, लेकिन हमारी और आपकी ज़रूरत के एतबार से हर नेकी अहम है हमारे और आपके लिए। वो छोटी इसलिए नहीं है कि हम उसे छोटा समझें, वो छोटी बड़ी नेकी के मुकाबले में छोटी नेकी कही गई है। जैसे आप जानते हैं गुनाहों के सिलसिले में इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह बात सिखलाई है कि देखो ये जो छोटे छोटे समझे जाने वाले गुनाह हैं इससे परहेज करो। इय्याकुम व मुहक्करातिज़ ज़ुनूब, गुनाहों में जिन्हें हकीर मामूली समझा जाता है उनसे बचो, इसलिए कि ये मुहलिकात, ये हलाक करने वाले हैं। बिल्कुल वही बात नेकियों के सिलसिले में भी लागू होती है कि हम और आप किसी नेकी को छोटा ना समझें, किसी काम को छोटा ना समझें और किसी भी खैर के काम में हिस्सा लेने को मामूली न समझें। हमारे समाज में एक जहन हमारा और आपका यह बना हुआ है कि हम और आप अच्छे काम, बड़े काम करने की जब बात आती है तो दौड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से मुसाबका करते हैं, बड़े बड़े काम अपने जिम्मे लेना चाहते हैं, जबकि छोटे छोटे इतने काम हमारे दाएं बाएं रहते हैं कि बगैर किसी मेहनत के हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े कामों पे नजर होती है, छोटी मोटी नेकियों से हम और आप अक्सर गाफिल हो जाते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, ये बात हम और आपको याद रखनी चाहिए कि इस्लाम हम और आपको सिखाता है कि देखो किसी नेकी को मामूली ना समझो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहकिरन मिन अल मारूफ शैअ, किसी भी नेकी को तुम हकीर ना समझो, छोटा ना समझो, मामूली ना समझो।
वो जो नेकियां बजाहिर तुम्हारी नजर में नेकी तो हैं लेकिन बड़ी नहीं है, तुम्हारी अपनी जरूरत के एतबार से वो बहुत गैर मामूली हैं। इस मसले को तुम्हें समझना चाहिए। आप और मैं ये बात जानते हैं, क़यामत के दिन हमारे और आपके आमाल तोले जाएंगे। आमाल हमारे और आपके जब तोले जाएंगे तो बात वजन की ही होगी। अब ये वजन बड़ी नेकी से भी बढ़ सकता है, छोटी छोटी नेकियों से भी बढ़ता है। और अक्सर ताजिर हजरात ये बात जानते हैं, असल तोल तो बड़ी बड़ी चीजें रखकर पूरा कर लिया जाता है, बिल्कुल आखिरी वक्त में जब बराबर करना हो वजन तो आदमी छोटी छोटी चीजें रखकर ही बराबर करता है। हम और आप अपने अमल की जिंदगी को भी इसी तरह समझें कि ये जो नेकियां जिन्हें हम छोटा और मामूली समझते हैं, यही नेकियां कल रोज क़यामत हमारे और आपके पलड़े को भारी कर सकती हैं, और अल्लाह के फजल करम के बाद यही सबब बन सकती है मेरे और आपके नजात की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा मुकाम पे तरगीब दिलाई कि नेकी छोटी भी हो तो करने की कोशिश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसी हदीस में कहा, ला तहकिरन मिन अल मारूफ शैआ, तुम हरगिज किसी नेकी को किसी काम को छोटा ना समझो। वलो अन तल्का अकाका बिवजहिन तल्क, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना भी हो तो इसे भी मामूली नेकी ना समझो। आपको मुलाकात तो करनी लेकिन मिलते हुए आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए, इस नेकी को भी तुम मामूली ना समझो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन जारतुन लिजारतिहा वलो फिरसिन शात। अल्लाह के नबी ने कहा, एक पड़ोसन अपनी दूसरी पड़ोसन से अच्छे ताल्लुकात निभाने के सिलसिले में हदिया लेने देने, जरूरत की चीजों से मदद करने के रिवाज को आम रखे, हत्ता के अगर देने के लिए कुछ नहीं है, जानवर का खुर है, जानवर का खुर पैर जो होता है खुर, अगर खुर हो तो वही दे दे, लेकिन वो दे दे उसे, कम से कम इतना तो अपने पड़ोसन के साथ अच्छा सलूक करे। अलैल ने लिखा कि इस हदीस का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह कहा है कि जब तुम सालन पकाओ तो उसमें थोड़ा सा पानी, शोरबा पकाओ गोश्त का सालन जब बनाओ तो थोड़ा सा उसमें पानी ज्यादा करके अपने पड़ोसी को भी शामिल कर लो, थोड़ा सा उनके घर भी भेज दिया करो। उसी सियाक में अल्लाह के नबी ने कहा, बसा औकात देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रह जाता। अल्लाह के नबी ने कहा, खुर सही, खुर में गोश्त बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ चमड़ा लगा होता है, हल्के से गोश्त के रेशे हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर वो भी दे सकती हो तो वो भी अपने पड़ोसन को दे दो। हाजिन गिरामी, कहने का मतलब ये है, इस्लामी शरीयत हम और आपको ये सिखाती है कि किसी नेकी को मामूली ना समझो, किसी काम को मामूली ना समझो। यहां मैं एक काम और भी आपके सामने रखना चाहूंगा, ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि किसी नेकी को मामूली ना समझो, उसमें एक तरफ तो ये पहलू है कि हम और आप अपने लिए नेकियां कमाने में छोटी नेकी को भी छोटा ना समझें, वहीं इसका एक पहलू यह भी है कि इस दुनिया के अंदर जरूरतमंदों के काम आने, दूसरों की मदद करने और दूसरों के मसाइल हल करने के बाब में आप किसी अपनी खिदमत को मामूली ना समझे। छोटी सी बात आपके जरिए किसी मुसलमान भाई की, किसी गैर मुस्लिम जरूरतमंद की, किसी जानवर की, किसी की भी हल्की सी भी मदद हो सकती है, उस मदद को करने से पीछे ना हटो। हमारे और आपके समाज में अल्लाह का फजल व करम है कि इस दुनिया में अल्लाह ने हम और आपको ऐसे बसाया है कि छोटी छोटी चीजों में भी हमें अक्सर एक दूसरे की जरूरत पेश आ जाती है। ख्याल रखो, चलते चलते भी, फिरते हुए, उठते बैठते हुए भी किसी की मदद कर दी, किसी को कुछ दे दिया, कुछ उठा दिया, किसी को किसी की बात किसी तक मदद के तौर पर पहुंचा दी। अगर छोटी सी भी खिदमत किसी की कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। हाजिन गिरामी कद्र याद रखें, इस्लामी शरीयत हम और आपको यह बताती है कि इंसान हर खैर के काम में दो रास्तों से गुमराह होता है, या तो खैर के नाम पर गुलू का शिकार होता, हद से आगे निकल जाता है, या खैर को मामूली समझ के पीछे रह जाता है। अब यही काम ले ले किसी की मदद करने का मामला, एक तरफ तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटा करके बड़ा नाम चाहते हैं, जो नहीं करके भी नाम चाहते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को अपना काम ही काम नजर आता है, दूसरे की मेहनत मेहनत नजर नहीं आती, तो आदमी समझता है कि मेरा सबसे बड़ा हिस्सा था। एक तरफ तो समाज का वो तबका है जो थोड़ा करके भी बड़ा नाम चाहता है, लेकिन वही ये भी हमारे समाज की एक कमजोरी है कि बहुत सारे हमारे अपने अहबाब, हमारे घर के अफराद, हमारे घर की खवातीन छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि ये छोटे काम से क्या होगा। नहीं, याद रखें,
आपकी तरफ से होने वाली छोटी खिदमत, आपकी तरफ से होने वाली छोटी मदद, आपकी तरफ से होने वाली छोटी सी छोटी कार्रवाई अल्लाह की नजर में बहुत अहम होती है। अल्लाह ताला के पास बंदों की छोटी सी छोटी नेकियों का भी हिसाब होता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी, उसमें यही पैगाम तो अल्लाह ने दिया है, देखो जो आदमी जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो देखेगा अल्लाह ताला के पास वो नेकी मिलेगी उसे वापस, और जो आदमी जर्रा बराबर भी बुराई करेगा वो बुराई देखेगा अल्लाह के पास उसे मिलेगी। हमारे और आपकी जिंदगी के अंदर हमारे काम को हम अहमियत ना दें, हमारी अपनी मेहनत को समाज अहमियत ना दे, हमारी अपनी कोशिश को लोग कबूल ना करें, हमारी और आपकी मेहनत और कारकर्दगी को दुनिया ना सराहे, लेकिन रब्बे जुल जलाल बड़ा शकूर है, वो बड़ा कदरदान है, बंदों की मामूली से मामूली नेकी का भी बड़ा हिसाब किताब रखता है। सुभान अल्लाह, गज़वे तबूक के मौके पर आपको पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने सारा घर का सामान लाके अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, हजरत उमर ने अपने आधे घर का सामान लाके रख दिया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिला साजो सामान के साथ आया था तिजारत का उनका अपना साथी, पूरा काफिला लाकर अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। इन बड़े बड़े सदकात के मुकाबले में कोई सहाबी अगर एक मुठ्ठी दो मुठ्ठी खजूर लाए तो उसकी हैसियत क्या, आदमी अगर सोचे मेरे खजूर से क्या होने वाला है। एक सहाबी ने देखा अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है देने के लिए कुछ नहीं है, तो गए एक यहूदी के बागीचे में सुबह से शाम तक मजदूरी की, उजरत के तौर पर मुट्ठी भर खजूरें मिली, लाग लेकर आए, हत्ता के बाद मुनाफिकीन ने ताना दिया, कहने लगा ऐसा लगता है इनकी खजूरों ही के जरिए हम जंग जीतने वाले हैं। जाकर वो सहाबी अल्लाह के नबी के पास लाकर वो मामूली खजूरें पेश करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें ली, वो जो अनाज का ढेर बिखरा हुआ था उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैला दी, ये बताने के लिए कि ये बजाहिर छोटा सा है लेकिन अल्लाह की नजर में ये मदद, ये कोशिश, ये छोटी नहीं है, ये खिदमत मामूली नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की उस खजूर को सारे ढेर पर फैला के सहाबा को पैगाम दिया। हाजिन गिरामी कद्र, पैगाम जो देना चाहता हूं वो यही है कि याद रखें हमारे और आपकी जिंदगी में हम बहुत से मौके ऐसी ही छोटी छोटी नेकियों के जाये कर देते हैं। हम और आप अक्सर व बेशतर ये सोचते हैं कि मेरी छोटी सी मदद से क्या होगा, मेरे 10 रुपये से क्या होगा, 1 रुपये से क्या होगा, मेरे 2 बॉल से क्या होगा, मेरे थोड़ा सा हाथ लगा देने से क्या होगा, मेरे थोड़े से साथ में चले जाने से क्या होगा। नहीं, आपको यह नहीं देखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको इतना तो पता है कम से कम मुझे नेकी तो मिलेगी, कुछ हो ना हो, फर्क हो ना हो, लेकिन मुझे तो नेकी मिलेगी, मुझे अपनी नेकी देखना है। इसीलिए किसी नेकी को मामूली ना समझें, किसी खिदमत को मामूली ना समझें, किसी मदद को मामूली ना समझें। इस्लामी शरीयत के इस पैगाम को याद रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, सामईन को, तमाम सुनने वाली सामियात को जो बातें कहीं सुनी गई कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।